गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 11 कैलेंडर। और इसमें हमने कल की क्लास में क्या किया था, हमने किया था सप्ताह के दिनों के नाम लिखे थे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और महीनों के नाम क्या थे? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये तो हम कर चुके। अब आज हम करेंगे इसमें एक तरह से गए आपको कि खाली स्थान भरो, तो इसको आपको आगे इसमें से प्रश्न बने तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम लिखते हैं खाली स्थान भरो। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे नंबर 1, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। नंबर 2, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। नंबर 3, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बताएंगे? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। नंबर 4, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। फिर नंबर पांच क्या है? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 1 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं सप्ताह? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है। और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? नंबर 6, एक वर्ष में दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। आया आपको समझ में? ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आया समझ में क्या करना है? तो देखिए खाली स्थान भरो है, और ये आपको अच्छे से और याद रखना नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो इसलिए कहते हैं एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में 30 दिन, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं,
एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आपको मैंने सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, इनको आप क्रम से याद करेंगे, लिख लिख के याद कीजिए। और ये भी अब आपको याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है रिपीट CW एंड नोटबुक। आपको ये नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।